श्री दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद राजीव में। दोस्तों आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 11th के पहला चैप्टर, जिसमें आप लोगों को विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। तो चलिए आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए 11th का पहला चैप्टर शुरू करते हैं, जिसमें आप लोगों को सबसे पहले आता है सजीव क्या है। तो सजीव क्या है, इसके बारे में जानेंगे कि सजीव क्या है या सजीव की क्या विशेषताएं होती हैं। इसको पॉइंट वाइज देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें रख सकते हैं कि सजीवों का जन्म होता है, तो जन्म लेना। उसके बाद अगले पॉइंट की यदि बात करें तो सजीव वृद्धि करना, यानी सजीव वृद्धि करते हैं, वृद्धि करना। उसके बाद अगले पॉइंट की यदि बात करें तो अगला पॉइंट आता है कि सजीव उद्दीपन करते हैं, उद्दीपन करना। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें, अगली विशेषता की बात करें सजीव की, तो अगली विशेषता है गमन करना या गति करना। अगली विशेषता की यदि बात करें तो जैविक क्रियाएं करना या जैविक क्रियाएं होना, जैविक क्रियाएं। जैविक क्रियाओं की यदि बात करें तो जैविक क्रियाओं में मुख्यतः सबसे पहले चरण पर रख सकते हैं पोषण, यानी सजीव भोजन करते हैं, न्यूट्रिशन। अगले सजीव की क्रिया की बात किया जाए जैविक क्रिया की, तो पाचन, यानी सजीव पाचन होता है। अगली क्रिया की यदि बात किया जाए तो उत्सर्जन। उसके बाद अगली क्रिया की यदि बात किया जाए तो श्वसन। अगली क्रिया की यदि बात किया जाए तो प्रजनन, यानी जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए ये प्रजनन भी करते हैं। उसके बाद यहाँ 6th नंबर पे रख सकते हैं कि मृत्यु, यानी सजीवों की मृत्यु भी होती है। इस प्रकार इस पूरी कैटेगरी को अगर रखा जाए तो ये पूरा एक जीवन अवधि के अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहले सजीव क्या है, सजीव जन्म लेते हैं, सजीव वृद्धि करते हैं, सजीवों में उद्दीपन होता है, सजीव गमन करते हैं अर्थात गति कर सकते हैं, सजीवों में जैविक क्रियाएं होती हैं जैसे पोषण, पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, प्रजनन, और अंततः सजीव की मृत्यु होती है। और ये सब जो क्रियाएं हैं ये निर्जीव में नहीं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यदि सजीवों के विविधता की बात किया जाए, बायोडाइवर्सिटी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, चूँकि सजीव एक टाइप के होते नहीं हैं तो ये विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, तो सजीवों में विविधता आएगी ही। तो चलिए उसको देखते हैं। सजीवों में जैविक विविधता या जीवों में जैविक विविधता, जीवों में जैविक, जीवों में विविधता केवल देखिए, जीवों में विविधता तथा
वर्गीकरण की आवश्यकता, क्योंकि जब विविधता होगी तो वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ेगी ही। वर्गीकरण की आवश्यकता, तो सबसे पहले जीवों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद विविधता, विविधता या बायोडायवर्सिटी, तो इसको जानेंगे सबसे पहले ये क्या होता है। तो जीवों में पाई जाने वाली असमताओं को जीवों की विविधता कहते हैं। विविधता कहते हैं, यानी सजीव विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब इनका आधार क्या होता है वो देखेंगे, कि विविधता का आधार, विविधता का आधार, तो ये देखेंगे पॉइंट वाइज। सबसे पहला पॉइंट इसमें रख सकते हैं जीवों का रूप। अगला पॉइंट रख सकते हैं जीवों की आकृति। अगला पॉइंट रख सकते हैं जीवों का आवास, जीवों का आवास। उसके बाद चौथे नंबर पे रख सकते हैं जीवों का स्वभाव। अगले पॉइंट पे रख सकते हैं जीवों का नामकरण, जीवों का नामकरण। तो एक एक पॉइंट को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले जीवों का रूप, चूंकि विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, इसलिए हर एक जीव का जो रूप होगा या आकार होगा वो भिन्न भिन्न प्रकार का होगा, इसलिए जीवों में जैविक विविधता होती है। उसके बाद नंबर दो की यदि बात किया जाए जीवों की आकृति, तो हर एक जीव एक प्रकार का नहीं होता, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई बहुत बड़ा होता है, कोई बहुत ही छोटा होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं ये कि जीवों की जो आकृति है वो समान नहीं होती है, वो उसमें भी विविधता पाई जाती है। उसके बाद जीवों के आवास की यदि बात करें, तो हर एक जीव जो है उसके आवास या वास स्थान जिसे कहा जाता है वो अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ जीव हैं वे हमेशा जल में ही रहते हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो हमेशा जल और स्थल दोनों में रहते हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो केवल स्थल पे रहते हैं, और कुछ ऐसे जीव हैं जो नभ में भी रहते हैं। तो इस प्रकार जीवों में आवास के आधार पर भी विविधता होती है, आकृति के आधार पर भी विविधता होती है, रूप के आधार पर भी विविधता होती है। उसके बाद आते हैं स्वभाव की बात। जीवों के स्वभाव की बात करें तो जीवों में स्वभाव भी विविधता का एक कारण है, यानी हर एक जीव का जो स्वभाव होता है वो एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग प्रकार के स्वभाव पाए जाते हैं। उसके बाद
यदि नामकरण की बात किया जाए तो हर एक जीव का एक ही नाम नहीं होता। जैसे कहने का मतलब, कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे यदि गौरैया को ले लिया जाए तो इसे भारत में गौरैया कहा जाता है, भारत में इसे गौरैया कहा जाता है। उसके बाद यदि आंध्रा में देखें, आंध्र प्रदेश तो वहाँ गौरैया को पिच्छुक कहा जाता है, पिच्छुक। उसके बाद यदि अगले स्टेट की बात करें, इंग्लैंड में इसे हाउस स्पैरो कहा जाता है, हाउस स्पैरो। वहीं अगर अदर कंट्री की बात करें, हॉलैंड की बात करें तो हॉलैंड में इसे मुस्च कहा जाता है, मुस्च। वहीं अगर जापान की बात करें, जापान, तो जापान में इसे सुजून कहा जाता है, सुजून। तो इस प्रकार जीवों के जो नामकरण होते हैं वो विभिन्न देशों में, स्टेट्स में अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार इस असुविधा को दूर करने के लिए स्वीडन के एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है कैरोलस लीनियस। चलिए उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। यानी जीवों में विविधता, अब ये पॉइंट जो वर्गीकरण की आवश्यकता है वो यहीं पर क्लियर हो जाता है कि जीवों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि उसमें जीवों का जो रूप है वो भी अलग होता है, आकृति भी अलग होती है, आवास भी अलग होता है, स्वभाव भी अलग होता है और उनका नामकरण भी अलग होता है, इसलिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। चलिए आगे कैरोलस लीनियस के बारे में थोड़ा जानेंगे। कैरोलस लीनियस का क्या योगदान है? तो सबसे पहले जो नामकरण की बात करें, यानी जीवों का नामकरण, चूंकि हर एक कंट्री और हर एक स्टेट्स में जीवों के नाम अलग अलग हैं, तो इस असुविधा को दूर करने के लिए स्वीडन के वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1707 से 1778 के बीच एक अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। सबसे पहले इनकी ही बुक में वर्गीकरण की जो पद्धति है वो उसकी व्याख्या की गई, यानी वर्गीकरण, यानी आधुनिक वर्गीकरण की जो प्रणाली की व्याख्या की गई है वो सिस्टेमा नेचुरी में ही की गई है। इसलिए इन्हें वर्गीकरण विज्ञान का पिता कहा जाता है। किसको? कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण विज्ञान का पिता कहा जाता है। इन्होंने एक पद्धति दी थी जिसका नाम है द्विनाम पद्धति। इनकी एक पद्धति है
इसका नाम है द्वि नाम पद्धति। द्वि नाम पद्धति की यदि बात करें तो इसमें जो प्रथम नाम है यानी प्रथम नाम उसे जेनेरिक नेम कहा जाता है या उसे वंश यानी इसे प्रथम नाम को जेनेरिक नाम और इससे किसी भी जीव के वंश का पता लगता है। उसके बाद ये द्वितीय जो नाम दिए द्वितीय नाम इसको स्पेसिफिक नाम इसमें उस जीव की जाति का बोध होता है। तो इस प्रकार इन्होंने द्वि नाम पद्धति दी जिसमें प्रथम नाम जो है जेनेरिक नेम जिससे वंश पता चलता है और द्वितीय नाम में स्पेसिफिक नेम जिससे जाति पता चलती है। अब द्वि नाम पद्धति की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय नियम होते हैं, इसके लिखने की क्या व्यवस्था होती है वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं द्वि नाम पद्धति की अंतर्राष्ट्रीय नियम। द्वि नाम पद्धति के अंतर्राष्ट्रीय नियम क्या होते हैं इसको देखेंगे पॉइंट वाइज। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है सभी जंतुओं का नाम दो शब्दों का होता है। अगला पॉइंट देखेंगे नाम का पहला शब्द वंश तथा दूसरा जाति को बताता है। अगला पॉइंट तीसरा सभी नाम अंग्रेजी में होते हैं। अगला पॉइंट नंबर चार पे वंश के नाम का पहला अक्षर बड़ा वंश के नाम का पहला अक्षर बड़ा या कैपिटल तथा जाति का नाम छोटा या स्मॉल लेटर से शुरू होता है। उसके बाद नंबर पाँच की बात करें तो इसमें जंतुओं का वैज्ञानिक नाम
जंतुओं का वैज्ञानिक नाम सदैव तिरछे अक्षरों में छपा होता है, सदैव तिरछे अक्षरों में छपा होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि द्विनाम पद्धति की यह विशेषताएं होती हैं। उसके बाद आगे देखेंगे वर्गीकरण की इकाइयां क्या होती हैं। वर्गीकरण की इकाइयां आगे देखेंगे वर्गीकरण की इकाइयां वर्गीकरण की इकाइयां इसमें देखेंगे वर्गीकरण में जो सबसे छोटी इकाई होती है वो जाति तथा सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो जगत होता है। तो सबसे पहले जगत या जिसे किंगडम कहा जाता है, जगत अथवा किंगडम, उसके बाद संघ या जिसे फाइलम कहा जाता है, उसके बाद आता है फाइलम के बाद वर्ग या जिसे इंग्लिश में क्लास कहा जाता है, उसके बाद आता है वर्ग के बाद गण, इसे इंग्लिश में ऑर्डर कहा जाता है, उसके बाद आता है कुल, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है फैमिली, उसके बाद आता है वंश, इसे कहा जाता है जीनस, उसके बाद जो अगली इकाई है उसे जाति कहा जाता है, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्पीसीज। तो इस प्रकार वर्गीकरण की प्रमुख इकाइयां हैं। तो सबसे पहले जो सबसे छोटी इकाई है वो जाति यानी सबसे छोटी इकाई सबसे छोटी इकाई जो है वो जाति है। इसके बाद वंश आता है, वंश में समान गुण वाले जातियों को रखा जाता है, यानी अगर वंश की बात किया जाए तो समान गुण वाली जाति, समान गुण वाली जाति। उसके बाद यदि कुल की बात किया जाए तो समान वंश वाले, समान गुण वाले, समान गुण वाले वंश। उसके बाद यदि गण की बात किया जाए तो समान गुण वाले कुल।
उसके बाद यदि वर्ग की बात किया जाए तो समान गुण वाले गण आते हैं। उसके बाद संघ की बात किया जाए तो समान गुण वाले वर्ग इनको रखा गया है। उसके बाद यदि संघ की बात किया जाए तो इसको मुख्यतः पांच भागों में बांटा गया है, जिसमें संघों के गुण। तो इस प्रकार वर्गीकरण की जो सबसे बड़ी इकाई है वो जगत है और सबसे छोटी इकाई जो है वो जाति है। यदि फाइलम की बात किया जाए या संघ की बात किया जाए तो इसे और अच्छे से गुण प्रदर्शित करने के लिए इसे सब फाइलम में भी बांटा जा सकता है, यानी संघ के बाद सब फाइलम यानी सब संघ भी आता है, उपसंघ जिसे कहा जाता है। यहाँ एक पॉइंट और रख सकते हैं, उपसंघ। यहाँ भी वर्ग की बात किया जाए तो यहाँ भी सब क्लास या उपवर्ग भी रखा जाता है गुणों को और अच्छे से प्रदर्शित करने के लिए, यानी किंगडम, फाइलम, सब फाइलम, उसके बाद क्लास या सब क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, यानी किसी भी जीव को वर्गीकृत करने के लिए इन इकाइयों की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे, कैट या बिल्ली का वर्गीकरण देखेंगे कैसे होता है, उसमें देखेंगे बिल्ली का वर्गीकरण, बिल्ली का वर्गीकरण। तो सबसे पहले इसके वर्गीकरण में किंगडम लिखेंगे, उसके बाद फाइलम, उसके बाद लिखेंगे सब फाइलम, उसके बाद आगे लिखेंगे क्लास, आगे लिखेंगे सब क्लास, आगे लिखेंगे ऑर्डर, उसके बाद आगे लिखेंगे फैमिली, उसके बाद आगे लिखेंगे जीनस, उसके बाद आगे लिखेंगे स्पीसीज। तो जो बिल्ली का किंगडम होता है वो होता है एनिमालिया या जंतु, एनिमालिया। उसके बाद यदि इसके फाइलम की बात करें तो इसका फाइलम है कार्डेटा, और डेटा। उसके बाद इसके सब फाइलम की यदि बात करें तो वर्टी ब्रेटा। उसके बाद यदि इसके क्लास की बात करें तो क्लास में आता है मैमालिया। उसके बाद सब क्लास की यदि बात करें तो सब क्लास में आता है यूथीरिया। उसके बाद यदि ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में आता है कार्निवोरा। उसके बाद यदि आगे बात करें कि फैमिली में क्या आता है तो फैमिली में मुख्यतः फेलडी आता है, फैमिली में फेलिडी, फैमिली में
फेलडी आता है। वहीं अगर बात करें जीनस की, तो जीनस में मुख्यतः जीनस में आता है फेलिस, फेलिस ये तिरछा थोड़ा लिखा जाएगा, फेलिस। उसके बाद यदि स्पीसीज की बात किया जाए, ये हमेशा स्मॉल लेटर से ही शुरू होगा, डोमेस्टिका, डोमेस्टिका, डोमेस्टिका कहीं कहीं मिलेगा और कहीं कहीं मिलेगा डोमेस्टिकस। तो इस प्रकार बिल्ली का वर्गीकरण हुआ, किंगडम एनिमालिया, फाइलम कार्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास एमालिया, सब क्लास यूथीरिया, ऑर्डर कार्निवोरा, फैमिली फेलडी, उसका जीनस फेलिस और स्पीसीज डोमेस्टिकस। एक और देख लेंगे कि मनुष्य का देख लेंगे, बार बार पूछता है एग्जाम में कि मनुष्य का वर्गीकरण, तो उसका देखेंगे मनुष्य का वर्गीकरण कैसे होता है। मनुष्य में भी ये सेम रहेंगे, यहाँ मनुष्य लिख दिया जाए, मनुष्य में जो किंगडम होता है वो एनिमालिया, एनिमालिया, फाइलम जो होता है वो कार्डेटा, सब फाइलम जो होता है वो वर्टिब्रेटा, क्लास की यदि बात करें सब फाइलम हो गया, उसके बाद क्लास की यदि बात करें तो क्लास में आता है मैमालिया, मैमालिया, सब क्लास की यदि बात करें सब क्लास में आता है यूथीरिया, ऑर्डर की यदि बात करें तो ऑर्डर में आता है प्राइमेट्स, प्राइमेट्स, फैमिली की यदि बात करें तो फैमिली में आता है होमोनिडी, होमोनिडी, उसके बाद यदि जीनस की बात करें तो जीनस में आता है होमो, उसके बाद यदि स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज में आता है सेपियंस, सेपियंस। और हाँ, ये मनुष्य का वर्गीकरण है। यदि बुद्धिमान मनुष्य का वर्गीकरण किया जाएगा तो ये सब सेम रहेगा यहाँ तक, और यहाँ एक स्पीसीज सेपियंस और जुड़ जाता है। यदि बुद्धिमान मानव की बात करें तो इस प्रकार आज बस इतना ही। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।